वेलकम यू ऑन डीएलएसएस टेस्ट सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 23। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कैरी 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 to 23 कैरीज 2 मार्क्स इच। 2/3 नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड एंड फिल अप द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चंस। टाइम इज 1.5 आवर। टोटल मार्क्स इज 42। सो दिस ऑलरेडी द टाइम प्लान ऑफ द टेस्ट सीरीज इज डिस्कस्ड विथ यू ऑल दैट द सिलेबस ऑफ दिस टेस्ट यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पोरोसिटी स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ एन एक्वीफर इज एस गामा प्लस एस आर इक्वल टू ईटा। सो दीज आर दी 4 ऑप्शंस। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज the degree of disturbance of a sample collected by a sampler is expressed by a term called the area ratio. If the outer diameter and inner diameter of sample area d0 are do and di respectively, the area ratio is. So we have these 4 options. Okay, now third question is the most commonly used sample for obtaining a disturbed sample of the soil is DAS. फर्स्ट ऑप्शन इज स्प्लिट स्पून सैम्पलर, ओपन ड्राइव सैम्पलर, पिस्टन सैम्पलर, थिन वॉल सेल बाय ट्यूब सैम्पलर। फोर्थ क्वेश्चन इज द एक्शन ऑफ ए नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल इज टू इंक्रीज द अल्टीमेट लोड ऑन द पाइल। सेकेंड ऑप्शन इज टू रिड्यूस द अलाउबल लोड ऑन द पाइल। थर्ड ऑप्शन इज मेंटेन द वर्किंग लोड ऑन द पाइल। फोर्थ ऑप्शन इज रिड्यूस द सेटलमेंट ऑफ द पाइल। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप 1 एनलिस्ट इन सीटू फील्ड टेस्ट कैरिड आउट फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन व्हाइल ग्रुप 2 प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉर सब सॉइल स्ट्रेंथ कैरेक्टराइजेशन। मेज द टाइप्स ऑफ टेस्ट विद कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स। इन ग्रुप 1 द 4 PQRS, फर्स्ट P इज प्रेशर मीटर, सेकेंड इज स्टेटिक कॉन्पेटेशन टेस्ट, R इज स्टैंडर्ड पेंटेशन टेस्ट, S इज वैन सीयर टेस्ट। इन ग्रुप 2 द फर्स्ट नंबर इज मेनार्ड मॉडुलस, सेकेंड इज नंबर ऑफ ब्लोज, थर्ड इज स्किन रेजिस्टेंस, फोर्थ इज अनड्रेंड कोहेशन। दीज आर दी कोड्स गिवन फॉर दी क्वेश्चंस नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ए सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशन लेस सॉइल विथ फ्रिक्शन एंगल phi, द फेल्यूर प्लेन विल बी इंक्लाइंड टू द मेजर प्लेन बाय एन एंगल इक्वल टू डैश फाइव 45 degree, 45 degree माइनस 5/2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 45 degree प्लस 5/2। क्वेश्चन नंबर 7 द इन्फिनाइट सेंड स्लोप सोन इन द फिगर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग फेल्यूर, द ग्राउंड वाटर टेबल कॉन्साइड्स with the ground surface, unit weight of water gamma w is 9.81 kilonewton per meter cube. So these are the diagrams given for the questions. So in this question we have to find out the value of the effective angle of internal friction in degrees up to one decimal place of the sand is dash. So this question is of the fill up the blanks types. And question number 8 is द एप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द अनड्रेंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले इज डैश। फर्स्ट इज प्लेट लोड टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज स्टैटिक कॉन्पेंसेशन टेस्ट, थर्ड इज स्टैंडर्ड पेंटेशन टेस्ट, फोर्थ इज वैन शियर टेस्ट एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज ए 30 kilonewton point load is acts on the surface of an infinite elastic medium. The vertical pressure intensity in kilonewton per meter square at a point 5 meter below and 10 meter away
from the load will be dash. Then question number 10 is the specific gravity and in situ void ratio of a soil deposit are 2.7 and 0.7 respectively. The value of the critical hydraulic gradient is dash. Question number 11, as per the Indian Standard Soil Classification System IS 1498-1970, an expression for A line is dash. First option is IP equal to 0.73 WL minus 24. Second option is IP minus equal to 0.7 WL minus 20. Third option IP equal to 0.73 WL plus 20. Fourth option is IP equal to 0.7 WL minus 10. Question number 12 is a saturated soil mass is a total density 21 kN per meter cube and a water content of 10%. The bulk density and dry density of this soil are dash and dash respectively. Unit of density is in kilonewton per meter cube. Now question number 13 is for what value of k is x minus 1 a factor of x cube plus kx square minus x plus 2 is dash. Question number 14, if 1 by 2, 1 by x, 1 by 8 are in harmonic progression where HP is harmonic progression, then the value of x is dash. Question number 15, if the radius of a circle is increased by 25%, its perimeter increases by dash percent. Question number 16 is solve the given equations. First equation is x square plus y square is equal to 34, and the second equation is x to the power 4 minus y to the power 4 equal to 544. The values of x and y are respectively, first is plus minus 4 plus minus 3, second option is plus minus 5 plus minus 3, third option is plus minus 3 plus minus 5, and fourth option is plus minus 3 plus minus 4. Now question number 17 is the value of the limit x tends to infinity 1 plus 1 by x to the power 2x is first option is ln 2, second option is 1, third option is e square, fourth option is e. Question number 18 is the value of the following integrals 0 to 1 x log x dx is dash, where ln x is natural log of x with base e. Question number 19 is the type of partial differential equation del 2 p by del x square plus del 2 p by del y square plus 3 del 2 p by del x del y plus 2 del p by del x minus del p by del y equal to 0 is. Option first is elliptic, second is parabolic, third is hyperbolic, fourth is none of these. Question number 20, the determinant of the matrix given below is dash. In first row the element is 0 1 0 2, in the second row element is minus 1 1 1 3, in third row the element is 0 0 0 1, in fourth row the element is 1 minus 2 0 1. Question number 21, consider the following second order linear differential equation d2y by dx square equal to minus 12 x square plus 24 x minus 20. The boundary conditions are at x equal to 0 y is 5, and the second boundary condition at x equal to y is equal to 21, the value of y at x equal to 0 is dash. Then question number 12, the divergence of the vector field x square z I cap plus xy j cap minus yz square k cap at 1 0 0 is dash. Question number 23, the Laplace transform of e to the power alpha t cos alpha t is equal to dash. First option is s minus alpha divided by s minus alpha square plus 1 alpha square. Second option is s plus alpha divided by s plus alpha square plus alpha square. And third option is 1 by s minus alpha square. And fourth option is none. So, thank you. Good luck for your
GATE 2019 examination. Test series is most important for the GATE examinations, so it will be good to be serious for every test series for GATE examination. Thank you.